बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और करीना कपूर खान की फिल्म गुड न्यूज जब से रिलीज हुई है तभी से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है 27 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर चौरानवे करोड़ रुपए की कमाई कर ली है वहीं खिलाड़ी कुमार की इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला है इसी के साथ अक्षय ने अजय देवगन वरुण धवन और ऋतिक रोशन को भी बॉक्स ऑफिस पर मात दे डाली है दरअसल गुड न्यूज़ साल 2019 की सेवेंथ ओपनिंग वीकेंड ग्रोसर का खिताब अपने नाम कर चुकी है बता दें कि गुड न्यूज़ ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर 64 करोड़ 99 लाख रुपए का कारोबार किया था वहीं वरुण धवन की कलंक ने अपने पहले वीकेंड पर 62 करोड़ 75 लाख अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल ने 62 करोड़ 40 लाख और ऋतिक रोशन के सुपर धत्तेरे 50 करोड़ 76 लाख रुपए का कारोबार किया था इसी के साथ खिलाड़ी कुमार ने कमाई के मामले में इन तीनों को धूल चटा दी है वहीं चलिए आपको बताते हैं टॉप हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड ऑफ 2019 फिल्मों की एक वॉर 166 करोड़ 25 लाख मिशन मंगल सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख साहो उनासी करोड़ 8 लाख दबंग थ्री अठहत्तर करोड़ 75 लाख कबीर सिंह 70 करोड़ तिरासी लाख गुड न्यूज चौसठ करोड़ निन्यानवे लाख कलंक 62 करोड़ पचहत्तर लाख टोटल धमाल बासठ करोड़ चालीस लाख सुपर थर्टी पचास करोड़ छिहत्तर लाख तो देखा आपने जहां खिलाड़ी कुमार की फिल्म गुड न्यूज इस मामले में सातवें नंबर पर है वहीं उनकी इस साल 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई फिल्म मिशन मंगल सत्तानवे करोड़ छप्पन लाख रुपए के साथ तीसरे नंबर पर है बात करें गुड न्यूज की तो फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। राजमेहता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स के साथ साथ दर्शकों की तरफ से भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है फिल्म में अक्षय के साथ साथ करीना कपूर खान कियारा आडवाणी और दिलजीत भी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आए हैं करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म जिस तरह से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में भी इस तरह धूम मचाने वाली है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताए की आपको ये फिल्म कैसी लगी सवाल पहले करण जी से सर आपने कहा था गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है दैट डबल डब्ल्यू सो प्लीज शेयर दैट कहानी के पीछे, Sir, पीछे हाँ. आप कहाँ के पीछे सर यहाँ अच्छा आप यहाँ हाँ जी क्या कहा था आपने सर आपने कहा था कि गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है दैट डबल डब्ल्यू सो प्लीज उसके बारे में बता देखिये बहुत साल पहले मैंने ये एक जो इनहेरेंट सुपरस्टिशन था और हमेशा रहता भी है हम लोगों की दुनिया में क्रिएटिव दुनिया में तो मेरा एक 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 सुपरस्टिशन मेरा भी था के अल्फाबेट से फिर कुछ ऐसे रिलीज हुए फिल्म के के साथ जिसमें करीना कपूर भी थी एक ऐसी फिल्म में जो ज्यादा नहीं चली तो मुझे लगा कि ये के अक्षर शायद ये मैं बस ये ऐसा सुपरस्टिशन के साथ मैं बैठ चुका हूँ एंड आई जस्ट स्टेग विद मी फॉर नो रीजन तो आई गेव ऑन दैट सुपरस्टिशन मेनी इर्स आफ्टर दैट आई एनकाउंटर राज मेहता हुईड अबाउट एवरीथिंग सो एंड इट वॉज नो यूर ब्लेमिंग अक्षर It's you, huh? Okay. Uh, all right. So he, along with Azim Deyani, who's the curator of music in this film, they both came very paranoid and asked me they could call the film a good news. So I just said a good news is not incorrect English. You don't have a good news. It's good news. So they said then we'll have to change the spelling. And I realized it's his first outing. Azim is a very passionate young man, and I felt that. कल को कुछ गलत हो गया दे ब्लेम इट ऑन मी एंड स्पेलिंग सो आई सेड प्लीज चेंज इट एंड दे डिसाइडेड टू कॉल इट एनी डब्ल्यू डब्ल्यू जेड पर्सनली इट्स राधर रिटिक्यूलस बट इट्स एक्चुअली एवरी वन हैज लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड रियली इन वेलप इट सो वेल डन थैंक यू एंड इन फैक्ट वी गुड मेक श्योर दट यू चेंज द स्पेलिंग ऑफ ऑल आर फिल्म्स एंड इफ दिस फिल्म दज वेल दैन यू वील बी द स्पेल मैन एट धर्मा

ओके okay, मुझे बहुत अच्छा लगा था आई स्टिल रिम्बर कारण ये मुझे एक आ, कहानी सुनाने लाए थे तो ये मेरे घर पे आए हुए थे इन्होंने कहानी सुनाई और करीबन डेढ़ पौने दो घंटे की नरेशन दी और मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी है फिर मैं बोला और क्या बना रहा है फिर कहता एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ गुड न्यूज़ करके मैं बोला उसकी कहानी क्या है फिर उन्होंने करीबन दो मिनट सुनाई वो कहानी मैं बोला वो डेढ़ घंटे वाली भूल जाते हैं ये बनाते हैं तो फिर उसके बाद ये मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ वाली कहानी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया इस कहानी के अंदर और मैं सच बताऊं तो ये आ, ऐसा ऐसा हादसा कहीं हुआ भी है जो आपने देखा ट्रेलर अभी ये कहीं हुआ भी है और उसको ले के इसको पिरोया गया करीना uh, जी एन क्यारा योर इनपुट्स वेन एक्चुअली राज नरेटेड द फिल्म आई आई पर्सनली थॉट आई वॉज परफेक्ट फॉर द पार्ट आई That's the truth. I thought that I really wanted to, you know, do the film. It was funny. It was um, I couldn't stop laughing, and I um, yeah I said that why not? I mean of course it's a production house that I trust uh, beyond, and uh, yeah I was like why not? It's the whole package is great. Actually Akshay was not on board at that time. I was the first one that came on board. I didn't know who the rest of the cast was, but I said yeah I want to trust Raj and let's just do it. And I think it's quite funny. I was rolling on the floor laughing when he narrated it to me and I was the last one on board so I knew all three of them were on board and I was like this is a huge opportunity for me to work with all of them to, this is my first film with Dharma so that itself was a big moment for me and yeah I mean for me I'm like Karan said I'm the junior most here and there's just so much to learn it's a character that Raj has given me which he really worked with me on this one, and um, I really hope you guys like it. I love the way I become sir only on this stage. <laughs> 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 Drop it, babe. Diljit actually uh, was very exciting because I remember speaking to him, and I think when he heard that, you know, it he heard the ensemble. I think immediately, kind of, it excited him, and I think he kind of like like was agreeable to be on the film as soon as I think he heard the cast, and then of course he heard the narration, and Raj narrated. Kalaga you think, Uh, मुझे लगा सिर्फ ऐसे सुनाने के लिए बुलाया है मुझे <laughs> लेने शायद के लेंगे नहीं।, नहीं फिल्म में <laughs> uh, तो मैं सुनने के लिए चला गया था क्योंकि एक बार मैं पहले सुनने आया था एक फिल्म तो वो उसमें मैं नहीं था बट अगर आप अगर वो फिल्म करते तो शायद ने, ये ने, हाँ खुशी खुशी ये नहीं कह पाते वो फिल्म अगर आप करते तो कुछ वहाँ बताएंगे नहीं कौन सी फिल्म वो लेकिन हाँ थैंक यू थैंक यू सर नमस्कार मैं रेखा खान नवभारत टाइम्स से सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और बहुत मज़ा आया देख के दो दो तीन तीन बार भी हम देख सकते हैं ये सवाल मेरा आप सभी लोगों से है हम हमेशा जब भी गुड न्यूज़ की बात करते हैं तो यही होता है कि घर में कुछ कोई मतलब कोई बेबी आने वाला है या इस तरह की बात होती है कि क्या यार कोई गुड न्यूज़ है लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है आजकल के दौर में बहुत स्ट्रेस है हम लोग कई बार ट्रैफिक में स्ट्रेस्ट आउट हो जाते हैं कई बार हमारे डे टू डे चीजें हैं तो आप सबके लिए इसके अलावा क्या डेफिनेशन हो सकती है गुड न्यूज की क्या करण आपके लिए क्या गुड न्यूज हो सकती है When his his parcels of his shopping reach his door <laughs> 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 ये मैं सभी से जानना चाहूंगी देखिए क्या है कि Uh, मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ की जो कॉन्सेप्ट है ना मैं ज्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटी मैं उस किस्म का इंसान हूं कि कुछ अच्छा अगर मैंने सुन लिया तो मुझे लगता है कि एक दो मिनट या पांच मिनट या पंद्रह मिनट के बाद मैं कुछ बुरा सुन लूंगा तो वो गुड न्यूज का ज्यादा अफकोर्स अनलेस इट्स बर्थ ऑफ अ चाइल्ड जैसे मुझे अभी भी याद है मैन आई गॉट द इंफॉर्मेशन ऑफ माई टू बेबीज़ बॉट दैट फेल्ट लेकिन गुड न्यूज़ का जो होता है ना गुड न्यूज़ के बाद हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज ही आ जाता है तो आई आयोलफीज की कभी खुशी कभी गम काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है हमारी जिंदगी में सो आई डोंट होल्ड ऑन टू दैट न्यूज विद दैट मॉट जॉय एवर मुझे लगता है कि हमेशा कि इसके बाद कुछ बुरा ही होने वाला है आई मे लिटिल बिट ऑफ सिनिक लाइक दैट लेकिन गुड न्यूज़ का माँ बहुत सारे हो सकते हैं मुझे तो गुड न्यूज़ ये होता है जब एक एक्टर कम प्राइस पे फिल्म कर दे सबसे बड़ा wow. न्यूज वो है और वो गुड न्यूज अक्षय ने मुझे आज तक नहीं दिया <laughs> करीना आपके लिए क्या हो सकती है गुड न्यूज आई कान बीट दैट आंसर सो आई डोंट थिंक वी शुड आंसर दिस क्वेश्चन और अक्षय आपके लिए मेरे लिए uh, मैं तो बैड न्यूज में भी गुड न्यूज ढूंढता हूँ

सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट को ही एक मतलब पहला तो उसका उद्देश्य एंटरटेनमेंट को पूरा करना ही होना चाहिए तो क्या इसके पीछे था इसके पीछे आपकी सोच क्या थी तो फील गुड़ रहे थे मैं हमेशा ऋषिकेश मुखर्जी सोशल कॉमेडीज बनाते थे तो मेरी हमेशा ये चाह थी कि हम धर्मा प्रोडक्शन में ऐसी भी इमोशनल भी, भी, भी और एक यू you नो know, एक फील गुड वाली फैक्टर हो फिल्म में आज तक ऐसे धर्मा ने उस किस्म की फिल्म नहीं बनाई जैसे ये है जैसे